8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कहा, 1000 और 500 की नोटें बंद, तूफान मच गया तूफान, जिन्होंने थप्पे के थप्पे रखे थे अब उनके लिए मजबूरी आ गई, भाई बैंक में जमा करना ही पड़ेगा, बैंक में जमा करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने गंगा में बहा दिया, कुछ लोगों ने जला दिया। भाइयों बहनों, सत्तर साल तक जिस प्रकार से देश को लूटा गया और हजार हजार की नोटों की थप्पियां लगा दी, एक रात में भाइयों बहनों उनको सरकार के शरण आने के लिए मजबूर कर दिया, बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब वो सोच रहे थे कि मोदी ने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए बैंकों में जमा करेंगे तो काला सफेद हो जाएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मोदी ने बैंकों में पहले व्यवस्था करके रखी है कि जो जमा करेगा उसकी पूंछ कहां निकलती है, सारा कारोबार पकड़ा जाएगा, सारा कारोबार। और ये पैसे गरीब के काम आए, ईमानदार के काम आए, देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए काम आए, इस काम के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाइयों बहनों। और इसके लिए मैं 125 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि आपने मुझे जो समर्थन दिया, आपने जो मुझे सहयोग दिया, ये देश दुनिया के सामने सर ऊंचा करके खड़ा हो गया है कि अपने सपने पूरे करने के लिए 125 करोड़ देशवासी कैसी ताकत दिखाते हैं, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। भाइयों, इस ताकत के भरोसे भारत का भाग्य बदलना है।